देखिए, रायगढ़ जिले में बहुत ही गंभीर घटना घटी है। 48 मकानों का ये जो गांव है, इस गांव में भूस्खलन के कारण वहां पर बड़े पैमाने पर मिट्टी, सॉइल, ये सारा और पत्थर, ये सारी चीजें घरों के ऊपर आई है। अभी तक 7 डेड बॉडीज प्राप्त हुई है। अभी कुछ लोग और अंदर दबे होने की आशंका है। करीब 225 लोगों का ये गांव है। अभी तक जो जिंदा आइडेंटिफाई हो पाए हैं, ऐसे 80 से 85 लोग हैं और कुछ लोग बाहर भी होने का अंदेशा है, इसलिए अभी उसका पूरा कोरैबोरेशन ये नहीं हो पाया है। रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए, लेकिन वहाँ पर बड़ी मशीनरी नहीं जा सकती, इसलिए मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पहुँची है। स्वयं गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से और मुझसे, दोनों से बात की है। ये सारी टीमें वहाँ पर काम कर रही है। टीडीआरएफ की हमारी लोकल टीम भी वहाँ पहुँची है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अभी भी, कुछ समय पहले जब मैंने बात की थी तो बहुत जोरों से वहाँ वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, इसलिए इस ऑपरेशन को करने में बहुत वहाँ पर तकलीफ आ रही है। रात से ही हमारे मंत्री गिरीश महाजन जी वहाँ पहुँचे, हमारे अन्य दो मंत्री भी पहुँचे। अर्ली मॉर्निंग स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे। स्वयं मुख्यमंत्री जी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ये वहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। जो जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। छोटा जेसीबी या छोटी अर्थ रिमूविंग मशीन, ये वहाँ पर हम लोग एयरलिफ्ट कर सकते हैं क्या, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अभी मौसम ऐसा है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी फ्लाई नहीं कर सकता, इसलिए काफ़ी दिक्कतें इसमें आ रही है। लगातार प्रयास जारी है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार के दुख में हम लोग सम्मिलित है। प्रयास ये किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी तेजी से हम लोग कर पाए वो करने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने आईडेंटिफाई स्पॉट्स देखे हुए, ऐसे कौन से स्पॉट होंगे और किस प्रकार से घटना है, आगे क्या करेंगे? देखिए, लगातार वल्नरेबिलिटी का मैपिंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वल्नरेबिलिटी के स्पॉट्स भी बदलते जा रहे हैं और विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज का जो हमको आज परिणाम दिखता है, तो मानसून का पैटर्न भी बदला है। जितना मानसून या बारिश, आजकल 3 दिन में 2 दिन में उतनी बारिश आ रही है और इसके कारण चैलेंजेस ये बड़े हैं। डिजास्टर मिटिगेशन के कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस समय इस प्रकार से कोई घटना होती है तो उसमें से हमको नई सीख मिलती है कि जिसके आधार पर हमको आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है। अभी तो सारा फोकस ये रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, लेकिन अन्य जगह पर भी इस प्रकार के वल्नरेबल स्पॉट्स, उनको ढूंढकर किस प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसका भी प्रयास हम करेंगे।